हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके हिंदी व्याकरण। क्या शुरू करने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट तीन, मात्राएं। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट तीन, मात्राओं के बारे में। बच्चों आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए शब्द में आई ध्वनियां पढ़ो। ध्वनियां साउंड, ठीक है। नीचे दिए गए शब्द में आई ध्वनियां पढ़ो। आइए देखिए, ये है माला। क्या है बच्चों? माला। माला कैसे बना है बच्चों? व्यंजनों में स्वरों की चिन्हों से। हाँ बच्चों, व्यंजनों में स्वरों की चिन्हों से। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, म आ, ल आ, यानी कि म में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, माला। ये है ना माला बच्चों? हाँ। माला किसे बना है? व्यंजनों में स्वरों की चिन्हों से, जिसे हम कहते हैं मात्राएं। ठीक है बच्चों, आइए स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। हाँ बच्चों, स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ना बच्चों, समझ गए मात्राएं? आइए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, आप सबको तो स्वरों की मात्राएं के बारे में पता ही है, आप तो जानते ही हैं मात्राओं को, है कि नहीं? फिर भी आइए और एक बार सभी स्वरों के मात्राओं को देख लेते हैं और उनसे बने कुछ शब्दों को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? आइए, ये है बच्चों अ। अ में तो कोई मात्रा नहीं होता, तो देखिए क अ, क मात्रा नहीं होता तो क प, कप। आ, आ, आ की मात्रा, ठीक है? क आ, क में आ की मात्रा का, का से बना कान। छोटी ई, ये है छोटी ई की मात्रा। क में छोटी ई की मात्रा की से बना किताब। बड़ी ई, ये है बड़ी ई की मात्रा। क में बड़ी ई की मात्रा की से बना कील। ये है कील। छोटा उ, ये है छोटा उ की मात्रा। क में छोटा उ की मात्रा कु से बना कुर्ता। ये है कुर्ता, ठीक है? बड़ा उ, बड़ा उ की मात्रा। क में बड़ा उ की मात्रा कु से बना कुप। ये है कुप, ठीक है बच्चों? आइए री, री, ये है री की मात्रा। क में री की मात्रा क्री, क्री से बना कृषक। कृषक बच्चों, किसान है कि नहीं? ये एम, ये है ए, ये है ए की मात्रा। क में ए की मात्रा के से बना केला। केला तो ये है आपको पता है। ए, ये है ए की मात्रा। क में ए की मात्रा के से बना कैमरा। ये है कैमरा। ये है ओ, ये ओ की मात्रा। क में ओ की मात्रा को से बना कोयल। ये है कोयल। लास्ट
औ ये है औ की मात्रा। क में औ की मात्रा कौ। औ से बना कौआ, ये है कौआ। समझे ना बच्चों? आइए आगे चलते हैं। आइए बच्चों इन सबको भी जान लेते हैं। देखिए र में छोटा उ और बड़ा उ की मात्राएं र के नीचे नहीं लगती। हाँ बच्चों, र में छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा नीचे नहीं लगती है, ठीक है। ये र के बीच में लगती है। जैसे देखिए र में छोटा उ, ये है र में छोटा उ रू, रू से बना रुई, ठीक है। नीचे नहीं लगता है, छोटा उ नहीं होता, ये लगता है बीच में। र में बड़ा उ रू, ये है रू, देखिए लगाना बीच में, नीचे नहीं लगता। दूसरे व्यंजनों में तो छोटा उ बड़ा उ नीचे लगता है, लेकिन र में कभी नहीं लगता, ठीक है बच्चों। र में छोटा उ बड़ा उ कहाँ लगता है? बीच में। र में छोटा उ की मात्रा रू से बना रुई, र में बड़ा उ की मात्रा रू से बना रूठना, ठीक है। आइए ये भी जान लेते हैं। हिंदी में मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है। जैसे देखिए बच्चों, हिंदी में मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है। देखिए म में ए की मात्रा में, म में ए की मात्रा में, देखिए लगाना ये मात्रा ऊपर में। हाँ ये देखिए म में आ की मात्रा मा, म में बड़ी की मात्रा मी, म में ओ की मात्रा मो, म में ओ की मात्रा मो। देखिए बच्चों मात्राएं कहाँ लगी हुई है? दाएं की ओर, दाएं मतलब राइट साइड, ठीक है। हाँ तो ये रहा बीच वाले। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा र, र में छोटा उ की मात्रा, र में बड़ा उ की मात्रा, ये दोनों मात्राएं कहाँ लगती है? र के बीच, ठीक है। आइए म में छोटी की मात्रा मी। तो देखिए बच्चों म में छोटी की मात्रा मी, बाएं ओर, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। अभी देखिए म में छोटा उ की मात्रा मू, म में बड़ा उ की मात्रा मू, म में री की मात्रा मरी। तो ये मात्राएं कहाँ लगी हुई है? नीचे, है कि नहीं? इसलिए कहा गया है हिंदी में मात्राएं व्यंजन के चारों ओर लगती है। समझ गए ना? आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों आखिर में जान लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, ठीक है। स्वर सब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा चिन रूप में आते हैं। हाँ बच्चों, व्यंजनों को स्वरों के साथ जोड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मात्राओं की प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती है। हाँ बच्चों, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है, सिर्फ अ में नहीं होती। आखिर में र में छोटा उ और बड़ा उ की मात्राएं र के बीच में लगाई जाती है। हाँ बच्चों, और हमने क्या सीखा था कि र में छोटा उ की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा र के बीच में लगाई जाती है, ना कि नीचे, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।